खराब सी लग रही है, कुछ है इसकी आँख, इसकी जो चादर वो क्रेपर है भाई। तो चलो भाई लोग चलते हैं यहाँ से, काफ़ी अच्छा था यार रूम में से 400 रुपये में भाई, कोई बुरा नहीं है। अगर आ रहे हो तो आप लोग भी booking.com से बुक कर सकते हो, बहुत सही है। मैंने कई बार ट्राई करा है, अच्छा जगह रूम मिल गया और कम रेट में। तो अभी मनाली से निकल रहे और करते हैं भाई इसको बाय बाय। भाई यहाँ पे बंदे स्पीड में आता काली, जो देखो रुकते भी नहीं है। अपना जो होटल था वो मॉल रोड के बगल में ही था, तो मॉल रोड देखो सामने जाके था मॉल रोड, और हम यहाँ लेफ्ट लेके चले जाएंगे नीचे के साइड। देखो अभी सडनली प्लान बनाया कि हमने सीधे जाके दिल्ली रुकेंगे। मैं पहले सोच रहा था चंडी उंडीगढ़ रुक जाऊँ, पर अब सीधे दिल्ली जाकर रुकेंगे, और बीच में रास्ते में कहीं बस 5-10 मिनट के लिए ब्रेक लेंगे, उसके बाद कोई ज़्यादा बड़ा ब्रेक नहीं लेंगे। तो नीचे वाला रास्ता वापस घुमा के हमें मॉल रोड के पास ही ले आया, पता नहीं क्यों। तो रोड की ये हालत देख के मैं समझ गया कि भाई मुझे नीचे रास्ते से जाने क्यों नहीं दिया गया, ऊपर वापस ही मॉल रोड के साइड क्यों मोड़ दिया, क्योंकि नीचे वाला रोड जो है ना बिल्कुल भाई बर्बाद हो चुका है बाढ़ जो आया था मनाली में। और आप देख सकते हो बगल वाला रोड, हम जो दूसरे वाला रोड पर चल रहे जो हमारा मेन रोड था वो तो गायब हो चुका है। और यहाँ पर देखो जो बाढ़ का जो इम्पैक्ट इतना ख़तरनाक था कि देखो जो बाढ़ के जो पत्थर होता ना भाई वो रोड पर आ गए, और ये घर पता नहीं कैसे बच गया। मतलब हो सकता भाई ये घर काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो, जिसके वजह से ये बाढ़ के इतने ज़्यादा खतरनाक इम्पैक्ट के बाद भी ये घर बच गया। पर नीचे देख सकते हो पिलर विलर और सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ टूटी पड़ी है, पर घर का जो मजबूती ना काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहेगा, जिसके वजह से बच गया ये, नहीं तो भाई साहब ये भी नहीं बचता, क्योंकि रोड देख सकते हो रोड तक पे जो बाढ़ का जो पत्थर वत्थर आ चुका है। और यहाँ पर इस कार की हालत आप देख के समझ सकते तो कि बाढ़ का इम्पैक्ट कितना ज़्यादा खतरनाक रहा होगा। कई सारे घर बह गए, कार बह गए, बसें बह गए, रोड बह गया, कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब रही होगी उस टाइम पे। आप मतलब अभी देखिए इतना हालत ख़राब हो रहा है, तो सोचो जब हो रहा होगा लोग जब देख रहे होंगे तो उस टाइम उनकी क्या हालत ख़राब हो रही होगी, और वो उनकी मतलब भाई क्या ही दशा रही होगी। और ये देख के तो भाई साहब मेरी हालत अभी भी ख़राब हो रही है, क्योंकि अभी इसी रोड को क्रॉस करके जाना है। ये देखो पुल का भाई पूरा सब कुछ बह गया, बस ढांचा बचा हुआ है, ऊपर जाने का कोई भी तरीका नहीं है, और रोड तो है ही नहीं, रोड बह गया भाई साहब बाढ़ में। बस ये जो बाद में गवर्नमेंटों ने भाई या BRO की टीम ने या हो सकता है लोकल जो रोड बनाते उन लोगों ने भाई रोड पर मतलब थोड़ा बहुत काम कर दिया कि चलो लोग के आने जाने का भी जो रास्ता बन जाए, और इधर से टूरिस्ट हो या लोकल लोग हो वो जा सके। और बाकी आप देख सकते हो रोड पे काम चल रहा है, पर ये है कि आप बगल में देख सकते हो रोड पूरा बह चुका है पानी में भाई, जो पिलर विलर है वो पानी में दिख रहे हैं। तो हो सकता है भाई अभी 2-3 साल और लग जाए अगर कुछ ना आए तो। भाई साहब देखो ये छोटा सा पुल है, भाई हालत ख़राब सी लग रही है, कुछ है इसकी आँख, इसकी जो चादर वो क्रेपर है भाई। वहाँ शायद एक फूल था जो गायब हो गया। इसकी भी भाई हिल रहा है सारी चीज़, पता है इस पुल की भी हालत ख़राब है, और ये पता नहीं कौन सा गांव में जा रहे हैं। मैं तो बस ऐसे ही आ गया, अब कार लेके आ रहा भाई भैंस क्या, ये भाई इतना मजबूत है क्या, लिखा हुआ था इस पर भारी वाहन वंचित है। यार कार की वेट झेल रही पुल है। तो बाढ़ के वजह से ना आपको मनाली के अंदर ही जो है ऑफ रोडिंग के मज़े लेने को मिल रहे हैं, वो भी रोडों पे, जो जिसके लिए भाई लोग लद्दाख वद्दाख जाते थे वही ऑफ रोडिंग के मज़े आपको मनाली के अंदर ही मिल रहे हैं, कहीं जहाँ बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिलहाल। फिर आता टनल के बाद जो है ना मुझे एक और टनल के अंदर एंट्री करने को मिला, और ये है भुंतर का टनल। और भुंतर टनल में जब भी आप जाओगे भाई ये पुराने स्टाइल में बने, मतलब एकदम अभी कंक्रीट का नहीं बनाया गया,
काफ़ी टाइम से ऐसा ही है, पहले भी मैंने देखा तो ऐसा ही है, अभी भी ऐसा ही है। और ये टनल भी भाई अच्छा खासा लंबा है, मतलब शायद 5-6 किलोमीटर का है, या हो सकता है उससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है, आप लोग गूगल कर लेना। पर काफ़ी अच्छा मतलब लंबाई है इस टनल की भी। जैसे टनल क्रॉस करके आ गया भाई, यहाँ पर देखा मैंने जाम लगा हुआ, मुझे लगा लैंडस्लाइड लैंडस्लाइड हो रखा हुआ, सबको रोक रखा था। पर इस भाई ने मुझे बोला कोई नहीं भाई तुम आगे जाओ। मैंने बोला क्या बात है, अरे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे ये सीन था कि एक टाइम पे एक ही साइड से गाड़ी आने जाने दे रहे थे, क्योंकि यहाँ पे देखो लैंडस्लाइड वैंडस्लाइड हुआ नहीं था, पहले से हो रखा था, जिसकी वजह से रोड पर ना मलबा काफ़ी ज़्यादा था और बड़े बड़े पत्थर थे, और सिर्फ एक ही साइड से आने जाने का ऑप्शन था। इसीलिए इन लोगों ने भाई यहाँ पर गाड़ी एक टाइम पर एक ही साइड से जाने दे रहे थे, और बाइक वाले तो बहुत ईजी से निकल जाते, इसीलिए उसने मुझे निकलने का मौका दिया। देखो यहाँ पर भी डबल डेगर रोड का मैं भाई देखने को मिल रहा है, देखो जिस पे मैं चला रहा हूँ और हम इसके मेरे ऊपर एक और रोड है जो भाई टनल वाला रोड को कनेक्ट करता है, वो भी शायद बन रहा है, बना नहीं है, आने वाले टाइम में बन जाएगा तो उस रोड से भी जाने को मौका मिलेगा, पर बहुत सही था। फिर उसके बाद हमें एक और टनल देखने को मिला, और ये टनल भाई नया नया बना है ऐसा देखने में लग रहा है, और काफ़ी ज़्यादा देख सकते हो भाई एकदम मतलब कंक्रीट का बना हुआ, और इस टनल में आगे आमने सामने का जुड़ा हुआ था। और एक और चीज़ मैं बताऊँ, जैसे ये टनल ख़त्म हुआ ना वैसे भाई दूसरा टनल स्टार्ट हो गया। मैंने बोला वाह क्या बात है भाई साहब, मतलब देख रो रोडों की डेवलपमेंट कितनी ज़बरदस्त तरीके से हो रही है यहाँ पर, और आने वाले टाइम में भाई बहुत मज़ा आने वाला है इस रोडों पर, आप जब मनाली जाओगे या उससे आगे की जगह भी जाओगे। हमें वापस भाई टनल वाले रोड्स को छोड़ के वापस नीचे उतरना पड़ा, क्योंकि कुछ टनल अभी बन रहे हैं और कुछ टनल अभी बन चुके हैं, तो इसके वजह से भाई ऊपर नीचे होना ही पड़ रहा है यहाँ पर। और देखो भाई कितना ज़्यादा ऊंचाई पे है यार। अभी हम आ गए हैं मंडी के आसपास, एक डैम है वहीं पर। तो देखो एक दिन में कितनी हालात चेंज हो गए यार, कहाँ मतलब एक दिन पहले ठंड और भाई बर्फ़ के अंदर से हम होके हुए, और कहाँ देखो सिर्फ मंडी मनाली क्रॉस करके मंडी आया, मंडी में इतनी गर्मी लग रही है कि भाई पूरे जैकेट वैकेट उतारना पड़ रहा है, ये हाल है बताओ। बस एक दिन में माहौल चेंज, अभी जब मंडी में इतनी गर्मी है तो दिल्ली में कितना होगा यार। गर्मी में अब स्वागत है मेरा भाई। फिर जो है फाइनली हम आ गए मंडी शहर कह सकते हो यार, जो भी बोलो, यहाँ पे बस टर्न स्टैंड है काफ़ी बड़े बड़े। फिर इसको आगे क्रॉस करके हम आगे निकले भाई, एक और टर्नल हमें मिला, मतलब भाई सुबह से ना भाई मुझे टर्नल पे टर्नल टर्नल पे टर्नल मिल रहा है हमें, और भाई कई छोटे टर्नल है, कई बड़े टर्नल है, टर्नल ही टर्नल है, मतलब इतने सारे टर्नल मिल रहे हैं। और रोड जो भाई टर्नल वाले जो रोड काफ़ी ज़्यादा सही बना हुआ है, मतलब एकदम तुम अपनी बाइक कार वार जो भी है ना भाई भाग ले जाओगे, मज़ा आ जाएगा टर्नल के अंदर से अपनी बाइक कार को भगाने में। और उसके बाद फिर भाई एक बगल में हमें दिखा भाई बहुत बड़ा सा ये लेक बोलो नदी बोलो जो भी था, काफ़ी ज़्यादा बड़ा था भाई। सुबह से चलते चलते लग गई तो भूख, और हमने यहाँ पे भाई दबा कर पेट पूजा और उसके बाद निकल के आगे। और फिर देखो यहाँ पे अंधेरा होने वाला, और भाई सनसेट कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है अभी, देखो भाई बहुत ही गजब का व्यू आ रहा था। और फिर क्या भाई देखते देखते हो गया था अंधेरा और हम पहुँच चुके थे चंडीगढ़। और फिर भाई चंडीगढ़ में हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक का सामना करना पड़ा भाई, उस जगह वीडियो नहीं बना पर काफ़ी जगह पे क्या था भाई खाली खाली था, मतलब मज़ा आ गया था। फिर भाई हम हाईवे पे निकले और भाई हम पहुंच गए हरियाणा,
और अब जो लग रहा भाई, और आपको बता दूँ मैं दिल्ली सॉरी मनाली से निकला था मैं ऑलमोस्ट 10 बजे के आसपास दिन में, और अभी रात के जो ना भाई सब यहाँ पे बज चुके हैं 11:30। तो मुझे लग रहा है अभी घर पहुँचने पहुँचने में भाई मतलब 1 या 2 बज जाएंगे, मतलब काफ़ी टाइम लग गया। पर भाई मैं कंटिन्यू चलता रहा, कहीं रुकता रहा, फिर चलता रहा, और मतलब कहीं स्टे नहीं करा। और यहाँ पे देख लो ये भाई ट्रक भाई साहब पूरा रोड को घेर के चल रहे हैं। जैसे ही भाई हमने दिल्ली के अंदर एंट्री करा, यहाँ पे हमें जाम का सामना करना पड़ा, और वो भी खतरनाक वाला जाम भाई, बहुत दूर था, काफ़ी लंबा जाम था। पता नहीं क्यों रोड बन रहे थे, क्या सीन था समझ नहीं आ रहा था, पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जाम था। और इसी जाम को भाई चीरते फाड़ते फाइनली हम पहुंच गए भाई चांदनी चौक, देख लो अब। और हम दिल्ली के अंदर पूरे प्रॉपर तरीके से भाई एंट्री कर चुके हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, फिर एडवेंचर वाले किसी खतरनाक वीडियो में मिलेंगे।